सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम। जब तक उस परब्रह्म को कोई नहीं जान लेता, तभी तक उसी जीवात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। इस स्वतंत्र अस्तित्व का कारण वासना ही है, तथा अहंकारवश अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान बैठता है। ऐसा केवल उस परब्रह्म के ज्ञान के अभाव में ही होता है। उसकी विस्मृति मात्र से ही उसे जीव होने का भ्रम हो जाता है, तथा इसी अज्ञान के कारण वह शुद्र वासनाओं से ग्रस्त होता है। जब उसे परब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो वह स्वयं की आत्मा एवं उसमें भेद नहीं देखता, तथा अपने को शरीर मन इंद्रियां न मानकर ब्रह्म ही मान लेता है। ऐसा सभी शास्त्रों में वर्णित है कि अहम ब्रह्म अस्मि। उसके हृदय की गांठ यही थी कि वह अपने को अज्ञानवश परमात्मा से भिन्न जीव समझ बैठा था। अब उसका यह झूठा भ्रम ज्ञान से दूर हो जाता है। इसी को हृदय की गांठ का खुलना कहते हैं। इसीलिए मुंडूक उपनिषद में कहा गया है कि जो ब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। वह ब्रह्म बनता नहीं, बल्कि ब्रह्म ही था जो अज्ञानवश अपने को जीव समझ बैठा था। इस ब्रह्म का निवारण प्रत्यक्ष दर्शन के बिना नहीं होता, पुस्तकें पढ़ने, प्रवचन सुनने, राम नाम जपने से नहीं होता। जैसे सिंह का बच्चा भेड़ों के समुदाय में पलने के कारण अपने को भेड़ मानकर वैसा ही व्यवहार करने लगता है, किंतु दूसरे सिंह के सामने अपनी शक्ल पानी में देखकर उसका भ्रम मिट जाता है, तथा उसका सिंहत्व जाग उठता है, जिससे वह भेड़ों के समुदाय को छोड़कर सिंहों के झुंड में शामिल हो जाता है। यदि वह भेड़ ही होता, तो उनके सिंह बनने का कोई उपाय ही नहीं था। इसी प्रकार यदि यह जीवात्मा परमात्मा न होती, तो उसके लिए परमात्मा बनने का कोई उपाय ही नहीं था, किंतु ब्रह्म स्वरूप होने से ही भ्रांति का निवारण होते ही वह ब्रह्म ही हो जाता है। वेदांत की यह सर्वोपरि धारणा है कि ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, सभी ब्रह्म ही है। अज्ञान दृष्टि से ही जीव प्रकृति पदार्थ जड़ चेतन आदि नाना नाम रूपों की कल्पना होती है। ऐसे ज्ञानी महात्मा स्वयं शोक से पार हो जाता है, तथा समस्त पाप समुदायों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके कुल में सभी ब्रह्म को जानने वाले ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात उसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। वह अमर यानी कि जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। तो यदि आप जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हो, अनंत जन्मों के पापों को भस्म करना चाहते हो, हमेशा हमेशा के लिए सुखी रहना चाहते हो, तो आपको परमात्मा को जानना ही होगा, यानी अपने आप को जानना होगा। आप ही परमात्मा हो, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा सभी शास्त्र कह रहे हैं। तो आप जानने का प्रयास स्वयं करेंगे तो गुरु आपको मिल जाएंगे। पहले आप नाम जपना शुरू कीजिए, फिर गुरु मिल जाएंगे। गुरु के आदेश अनुसार नहीं चलेंगे तो कभी भी आप जान ही नहीं पाओगे बिना गुरु की। ये 110% सत्य है। तो गुरु की शरण में जाइए और गुरु मुख रह करके आप चलते रहे, तो निश्चित तौर से आपके समस्त पाप भस्म हो जाएंगे। आपके के जो जनों की जो हृदय की गांठ बंधी हुई है, वो भी खुल जाएगी। तो कोई भी आपका प्रश्न हो तो YouTube पर पूछ सकते हो, सुबह लाइव आते 4:30 बजे वहां पूछ सकते हो, या फिर WhatsApp नंबर है 9958515054 पर पूछ सकते हो। ऑनलाइन गुरु दीक्षा के लिए भी आप इसी WhatsApp नंबर पर मैसेज कीजिएगा। और श्रावण मास में
आप अपनी स्वेच्छा से दान सेवा देना चाहते हो तो 9643745467 पर दे सकते हो। आपकी सेवा अनमोल है, धर्म के कार्य में लग रही है और आगे भी लगेगी। और गुरु दक्षिणा भी इसी नंबर पर आप देना चाहो तो दे सकते हो। हम किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, हमारी कोई फीस नहीं है, हमारी फीस है भाव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास। बस ये हमें दे दो, हमें सब कुछ मिल जाएगा, बाकी जो आपकी इच्छा हो। और साधना का कोई भी सामान खरीदना चाहते हो, साधना किट, आसन वगैरह, तो आप इसी नंबर पर जल्द से जल्द मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।